अस्सलाम वालेकुम मम्मी फैजी व्लॉग एंड कुकिंग में खुश आमदीद। आज मम्मी आप क्या बना रही हैं? आज मैं आपको गुलाब समोसा बनाने का तरीका बता रही हूँ। आलू के साथ, आलू की मैंने मिठी तैयार कर ली हुई है, आलू बॉईल करके उनको अच्छी तरह, ये देखे मैंने मैश कर लिया हुआ है। और ये मैंने मैदा जो है 3 कप मैदा लिया था, इसमें मैंने बेकिंग पाउडर जो था वो आधी चमची डाली थी, और 6 चम्मच मैंने इसमें घी के डाले हैं, और आधी चमची मैंने इसमें नमक की डाल के और थोड़ा सा पानी लेके इसको अच्छी तरह गूंद के, तो इसको इसकी तो बहुत सारी वीडियोस में आपकी रेसिपी मेरी आपको ये मिल भी जाएंगी। ये तकरीबन सेम एक से ही चलती है, ठीक है, इसलिए आपको मुश्किल नहीं होगी। आप कोई भी मेरी आप समोसा रोल का देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। समोसे भी मैंने कई तरह के बनाए हैं। आज आपको ये मैं बता रही हूँ कि जैसे गुलाब का फूल खिला हुआ होता है ना, ये उस तरह का। आगे मैंने एक बनाया था वो सूरजमुखी का फूल था, ये आज गुलाब का फूल जो मैं आपको सिखा रही हूँ। और ये मैंने मैदा गूंद के रख लिया 3 कप, और ये अब मेरी ये देखेंगे बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है। ये देखें कितनी सॉफ्ट तैयार है, ठीक है। और ये कुछ है सब्ज़ प्याज था मैंने। अच्छा, आलू कितने आपके? आलू मैंने लिए हैं तकरीबन 1/2 किलो के करीब आलू होंगे। ये एक सब्ज़ प्याज है जो मैंने बड़ी बड़ी काट ली है, ये विद उसके ग्रीन ग्रीन के उसके पूकों के। और ये सब्ज़ सफेद प्याज, सादा प्याज बड़ी बड़ी वो काटा। और ये सब्ज़ धनिया था, ये मीडियम प्याज, मीडियम इतना सा छोटा सा मैंने काटा, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, ये मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैंने फ्रीज किया हुआ निकाला। और ये एक सब्ज़ मिर्च मैंने बड़ी बड़ी काट ली है क्योंकि मैंने बच्चे नहीं खाते हैं। और ये मसालों में ये देखें ये चमची है, और ये मैंने 1 चम्मच जीरे का लिया है, यही 1 चम्मच मैंने चाट मसाले का है, ये कूटी दागड़ मिर्च जिसे कहते हैं वो ली है, और ये नमक यही चमची भी, ठीक है। अब मैं आपको इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो मैं बताती हूँ कैसे करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है, बस ज़रा समझने की बात है। जब समझ आ जाए तो फिर होता है। मेरा आपसे वादा है कि मैंने आपको से कहा हुआ कि मैं अपनी बच्चियों को आसान से आसान रेसिपी बताया करूँ। और ये देखिए कितनी आसान है और कितनी जल्दी बन जाएगी। बस ये है कि आप मैदा जो हो ये पहले तैयार करके रख लें, आलू बॉईल करके रख लें, जैसे मेहमान आए तो फौरन इसको आप करके रखें, नहीं तो आप इसमें बेटे तो आपके पास अगर मैदा है वो डाल लें, कॉर्नफ्लोर है थोड़ा सा वो डाल लें, नहीं तो फिर इसमें आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं जिससे ये क्रिस्पी इसमें आएगी, ठीक है। ये देखिए, और ये फिर वही बात आई थी कि ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। कुछ लोग इसे स्पाइसी खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, कुछ नहीं खाते, उस हिसाब से ये हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल देती हूँ, ठीक है। वो रह गए थे वो नहीं डाल, वो मैं डालती हूँ। ये देखें ये मैंने तैयार कर लिया, ये ऐसे चिप चिप कर रही। इसमें मैंने अब ये लिए हैं 2 चम्मच खाने के चावलों के आटे के, बिस्मिल्लाह, ये अब मैंने डाल दिया। इससे ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। नमक मिर्च आप ऐसे में चख सकते हैं, कम हो तो डाल दें। मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने किया क्या कि इसमें थोड़ा सा ना चाट मसाला थोड़ा सा और डाल के, और कुटी में थोड़ी सी मिर्ची और डाल दी थी। आप कुछ लोग इससे भी ज़्यादा खाते हैं स्पाइसी, तो आप जैसी कर सकते हैं तेज़, उसमें कोई मसला नहीं है। ये ले लीजिए, ये हो चला है मेरा तैयार। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने क्या करना है। इसके मैंने अब छोटे छोटे से मैंने बॉल बनाने हैं, और उसको आगे से कैसे करना है वो भी मैं सारा आपको करके तो दिखाती हूँ। अब आप बॉल बनाएंगे? अब मैं इसको बॉल बना के आपको दिखाती हूँ। बॉलों का लिए कहीं हल्का सा आप हाथ पे ऑयल लगा ले तो वो हाथ पे आपके चिपकेगा नहीं, तो आसानी से बन जाएगा। मैंने ना छोटे छोटे कोफ्तों की तरह ये देखें ऐसे ऐसे करके, ये देखें ये मैंने बॉल बना ली, ये सारे मैंने ये तकरीबन मेरे ना 12 बन गए हैं, ठीक है। अब इनको मैं करती हूँ एक साइड पे। आगे मैंने क्या करना है, ये जो जो मैंने डो गूंदी थी इसको मैं निकालने लगी हूँ। मैदा ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको एक दफ़ा ना मेरे रिंग काम करते हुए कोई ख़ास तौर पे आपने रिंग उतार लेनी होती है अपनी, इसको मैंने अब दोबारा इस तरह गूंदूँगी। उससे ये होगा कि ये फिर ना एक जान हो जाती है, ये देखें इसमें ना एक आ जाती है, ये देखें ये देखें, ये बस छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो आपने नोट करने होते हैं, जो लोग बताते नहीं है छुपा देते हैं। आटे में देखो एक ऐसी आ रही है ना, ये देखें जान, ये देखें हो गया। अब मैंने इसको पकड़ के छुरी की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आधा रख दिया मैंने इधर, ये आधा मैंने कर लिया, ठीक है। इसको मैंने किया पेड़ा,
अब इसके भी मैं आपको आगे से बना के तो मैं दिखाती हूँ कैसे मैंने करना। रोटी बेलनी, रोटी बेलनी है। हाँ चलिए आप बेल लो, मैंने बता। चलिए रोटी बेल के दिखाते हैं। ये देखिए जी, मैंने पतली पतली सी कितनी बड़ी रोटी हमने बना ली है, बेल लिया। अब ये हमने एक ना जग का ढकना ले लिया, ठीक है, इस साइज़ का। अब इसके साथ हमने ऐसे रख के इसको ऐसे ज़ोर से दबा दबा के, ये देखें ऐसे ऐसे, इसी तरह अब हमने ये निकाल देने हैं। लें जी, तीन हमारे ये बन गए, ये चार पाँच छः, ये बन गया सात, अलग करके आपको दिखाते हैं। जी ये देखें जी, ये अब हम गोल टिक्की बनाई थी, पहले आपको बताया कि कैसे काटी। अब इसको ऐसे सेंटर में से हमने इनको जुड़ा हुआ रखना है, इनको सेंटर में से नहीं अलादा अलग करना, यानी कि इसके चार हिस्से कर लेने हैं और सेंटर में से हमने इसको वैसे ही रखना है। उसके अंदर अब हमने वो जो आलू के बॉल बनाए हुए ये रख देने हैं। ये देखें ये हो गया। अब जो हमने लई तैयार की थी वो तो हर बंदा ही जानता है लई कैसे बनती है। दो चम्मच वो ले लिया, उसको थोड़ा सा पानी डाला, उसको पतला कर लिया तो वो लई तैयार हो जाती है, ठीक है ना। और अभी इसके पत्तियों के हमने चारों तरफ किनारों पे ये लई लगा रहे हैं। लगाने के बाद इसको इसके ऊपर ऐसे रख रहे हैं, ऐसे उसके अपोजिट साइड पर इसको। अब ये साइड पर तो एक दफ़ा राइट फिर लेफ्ट, इसी तरह इसको चारों तरफ से हमने घुमाते जाना है, ठीक है। अब ये दूसरी साइड का आ गया, और फिर इन पत्तियों को हमने ये देखिए, ये मैं नीचे मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। ये देखें, ये देखें, थोड़ी सी ज़ाहिर बात है हर काम में मेहनत तो करनी पड़ती है, फिर ही टेस्ट आता है, वैसे मज़ा भी नहीं आता खाने का। और हट के एक नई चीज़ आपको मिलेगी, नए तरीके के समोसे। इस दफ़ा मैंने आपको बड़े अच्छे अच्छे समोसे बना कर दिखाए हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी चीज़ें पसंद आ रही होंगी कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी किया करें। देखिए चलिए हम इसे फ्राई करके दिखाते हैं। अब हम आगे हमने क्या करना है, नहीं मैं सारे बनाती हूँ फिर। ये देखिए बाकी हमने ये सारी टिक्कियाँ जो ना मैंने ऐसे में आटा डाल के इनको मैंने ऐसे करके रखा हुआ है, ये भी बाकी भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये देखिए ये मैंने कुछ इस तरह के मैंने हमने बना के ये रखे हैं, ये देखें, और सारे मैं कम्प्लीट करके तो फिर मैं आगे बताती हूँ। नहीं जी, ये मेरे जो मैंने गुलाब की तरह फ्लावर बनाए हैं, इनकी पंखड़ियाँ देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। ऑयल मेरा गर्म हो गया, मैंने आराम से ऐसे डाल देना है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ऐसे थोड़ा थोड़े से फासले पर रखना है कि ये देखें, ये देखिए अब जैसे ही ये तैयार होते हैं फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तैयार से मराज ये है कि अभी इनको हल्की आंच पे पकाना है, ज़्यादा नीचे से सेक लगेगा फिर इनकी दूसरी साइड पे कर देंगे। अगर घी ज़्यादा डाल देंगे तो वो जो अंदर हमने पीठी डाली हुई ना वो फट जाएगी, हल्की आंच पे रख के बनाएंगे तो पीठी फटेगी नहीं, मतलब जो आलू का मेज है वो निकल जाएगा अब इसको इसी तरह अंदर रख के बनाएंगे। तो ये मैंने ऐसे पकड़ी, माशाल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे रखना है ताकि इसका सारा ऑयल जो है ना वो निचड़ जाए, और मैं फिर आपको भी शॉर्ट करके दिखाती हूँ। नहीं जी, ये मेरे गुलाब समोसा तैयार हो गया। देखिए इसकी पंखड़ियाँ देखिए, हम ये देखिए गुलाब की तरह है ना, खली हुई कली जैसे गुलाब की होती है। पहले एक दफ़ा मैंने आपको आज मैंने ना असल में डबल बनाई है, तैयारी की तैयारी की है, तो वो सनफ्लावर वाले जो हैं फूल वो भी मैंने बनाए हैं। ये देखें वो ये हैं, वो ये देखें फुल मेहनतों वाले काम कर रहे हैं। खूब हमने मेहनत की, मैंने सन फ्लावर समोसा भी बनाए हैं, फ्लावर समोसा भी बनाए हैं और गुलाब समोसा भी बनाए हैं। आज मैंने आपको दो तरह की रेसिपी मैंने बता दी ये कैसी है। उम्मीद करती हूँ तो आपको ये पसंद आई होगी मेरी ये रेसिपी, क्योंकि वो सन फ्लावर जो है वो मैंने बीफ मटर में बनाए हैं, बीफ में बनाए हैं, और ये जो है ये मैंने उसमें आलू के बनाए हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि ये कैसी लगी है मेरी आपको रेसिपी। इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।